हाल ही असम की जगह पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनाए गए गुलाबचंद कटारिया के पद संभालने के दो दिन बाद ही लेक सिटी को एक तोहफा मिलने की उम्मीद जाग गई है। सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाले चंडीगढ़ से लेक सिटी उदयपुर के बीच सीधी ट्रेन चलेगी। इस बीच आसार ये भी है कि अभी उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन तक चल रही चेतक एक्सप्रेस को ही बढ़ाकर चंडीगढ़ तक भेजा जाए। अगर चंडीगढ़ तक ट्रेन शुरू होती है तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन सीधे जुड़ जाएंगे। ट्रेन नंबर 20474 चेतक एक्सप्रेस उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच चलती है। ये सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचती है, वहां से ये सीधी 5:30 बजे रवाना की जाती है। डबल इंजन की सरकार कब तक आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसाती रहेगी? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटा के दक्षिण अध्यक्ष जोगेंद्र बीरवाल जोंटी एवं जेश श्रृंगी ने कोटा दक्षिण विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं व आमजन के साथ मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने व बचे हुए हर शेष वर्ग में विफलता को दर्शाती डबल इंजन की सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार की आंखों से पट्टी हटाना है। राजस्थान में भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती आम जन पर कहर ढा रही है। बिजली के फिक्स्ड चार्ज में वृद्धि कर सरकार ने प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ डालने का जन विरोधी काम भी किया है। छापरा से खबर, जहां शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा शाहपुरा के अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के निर्देशानुसार राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश भर में की जा रही अघोषित बिजली कटौती व बिजली दरों में की गई वृद्धि, पेयजल आपूर्ति बाधित होना और बेपटरी कानून व्यवस्था के कारण फैली अराजकता के विरोध में अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर शाहपुरा नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बारिश के दौरान उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। तवाव से खबर, जहां राज्य सरकार के निर्देश अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तवाव के विद्यार्थियों द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान हरियालो राजस्थान के तहत प्रधानाचार्य डॉ. अशोक कुमार प्रजापत और राजेंद्र कुमार बोरा एवं सरपंच कमलेश कुमार मीणा के निर्देशन में वृक्षारोपण जागरूकता रैली का आयोजन किया।